नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस बार राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से यहां से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के लिए यह प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। रायबरेली सीट पर दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के बड़े नेताओं ने रायबरेली में प्रचार किया, लेकिन रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह प्रचार से गायब रही। रायबरेली में वोटिंग के बाद उनके सियासी भविष्य को लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह कभी गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2019 में उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और कड़ी टक्कर भी दी थी। बीजेपी ने उन्हें साल 2024 में एक बार फिर से रायबरेली से मौका दिया है, लेकिन अदिति सिंह की नाराजगी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। अदिति सिंह भी पहले कांग्रेस में थी और गांधी परिवार की करीबी थी। एक समय था जब राहुल गांधी के साथ उनकी शादी की अफवाहें भी उड़ी थी। बाद में वो बीजेपी में चली गई और रायबरेली सदर सीट से विधायक बनी। अदिति सिंह का सदर विधानसभा सीट पर खास प्रभाव है। अदिति सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था, उसूलों से कोई समझौता नहीं। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। हालांकि वह गृह मंत्री अमित शाह के रायबरेली दौरे में अपनी मां वैशाली सिंह के साथ शामिल हुई थी, लेकिन मन से भाषण नहीं दिया। अमित शाह ने अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह के बीच मतभेद दूर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन प्रचार के दौरान इसका खास असर नहीं दिखा। जानकारी के मुताबिक दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने से अदिति सिंह नाराज थी। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से अदावत है। जब सदर सीट से अदिति के पिता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ा करते थे तो दिनेश प्रताप सिंह ने उनका विरोध किया था। बाद में यह सियासी लड़ाई निजी दुश्मनी में बदल गई। हालांकि 20 मई को रायबरेली में वोटिंग के बीच अदिति सिंह ने साफ किया कि उनकी बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह के नाम पर उन्होंने चुप्पी साध रखी। और ये भी बताया जा रहा है कि आपने जो अभी उम्मीदवार हैं दिनेश सिंह, उनसे बहुत ज्यादा आप खुश नहीं है। आपने पार्टी को भी अपनी नाराजगी जताई थी और चुनाव प्रचार में भी आप ज्यादा नजर नहीं आए। नहीं, डेफिनेटली ये पार्टी का निर्णय होता है। आई एम नॉट अबव द पार्लियामेंट्री बोर्ड। अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला दिया है किसी को टिकट देने का, देन दैट इज दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट कम्प्लीटली। और पूरी तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आई कुड नॉट बी हैप्पियर। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ द आवर एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। रायबरेली में केवल अदिति सिंह ही नहीं, एसपी से आए मनोज पांडे भी दिनेश प्रताप सिंह के प्रचार से दूर रहे। ज्यादा चर्चा अदिति सिंह की हो रही है क्योंकि उनकी नाराजगी विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।